बताएं नवनीत जी आपका सवाल। मैम, मैंने अपने सास के लिए पूछना है कि उसकी ना जो आंखों में ना लेंस डला हुआ है मैम, दोनों आंखों में, और एक को 17 साल हो गए, एक को करीब 15 साल हो गए हैं। तो अब उनको ना उससे भी बहुत कम दिखाई देता है, उनकी एज है 57। और एक सवाल है मेरे फादर इन लॉ के लिए, उनको काफी टाइम पहले ना अटैक हुआ था सर मैम, तो फिर अब तो वैसे वो ठीक है, लेकिन हम आपकी बार ये सारे जो हकीम जी बताते हैं ना दवाई वगैरह, सिरका, हमने वो लहसुन अदरक का रस निकालने वाला वो भी सिरका दिया है उनको, और हकीम जी की सारी दवाइयां देते हैं हम, उन्हें एमएमसी की दवाई दे रहे हैं, तो क्या वो देनी ठीक होगी उनको मैम? उनकी एज है 61, और एक ये है कि थायराइड की दवाई में क्या इम्यूनिटी की दवाई मिलाकर खा सकते हैं मैम? और कितना मिलाना है, कितना खाना है, ठीक। और जैतून का नमक वगैरह? हाँ देखिए, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने अपने ससुर साहब को वो नुस्खा अदरक लहसुन वाला देना शुरू कर दिया, और आपने अपने लिए एक भी सवाल नहीं किया और अपने सास और ससुर के लिए किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने लिए कुछ सवाल ही आपने नहीं किया। तो उन्हें दिया करें, जो नुस्खा दे रहे हैं वो इतना ज़रूरी है कि ये जो अटैक होता है, ये नुस्खा ये अटैक दोबारा नहीं होने देता। इसकी तासीर ऐसी है कि अगर लगातार इसको दिया जाए तो दोबारा से ये अटैक नहीं होता। नहीं तो दिल का हो या दिमाग का अटैक, ये दोबारा होता है और बार बार होता है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो 3 अटैक से ज़्यादा बर्दाश्त कर सके। तो इसी तरह ख्याल रखिए, भगवान आपसे बहुत खुश होगा। और इनका आंखों के लिए भी था, 57 एज है हाँ, उनकी। आँखों के लिए अब वो हमारी हमसे आगे बात चली गई है, जो ऑपरेट किया है, लेंस लगे हुए हैं। अब वही डॉक्टर आपको या आँखों का कोई भी अच्छा डॉक्टर इस बारे में आपकी सहायता कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। वैसे आँखों के बीमारी के लिए सौंफ और गाजर का जूस, गाजर या सौंफ फायदेमंद होते हैं। आँखों की बिनाई के लिए, रोशनी के लिए, तो ये सौंफ और गाजर कसरत से इस्तेमाल करें। और एक और सवाल था इम्यूनिटी की दवा का। और थायराइड एक साथ हाँ, जी। इम्यूनिटी की दवा ये करें कि उन्हें कम से कम एक खुराक या 2 खुराक ऐसे मरीज़ को साथ में भी दे सकते हैं। 1 चम्मच एक खुराक में और दिन में 2 बार दे सकते हैं। और थायराइड के लिए धनिया 300 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम नमक जैतून के पानी से इस्तेमाल करें। एक एक चुटकी नमक जैतून, तो थायराइड का कारगर नुस्खा है। जी,